ओम शांति। खूबसूरत रिश्ते हमारे जीवन जीने का आधार है। खूबसूरत रिश्ते माना प्यार वाले रिश्ते, मित्रता वाले रिश्ते, जिन रिश्तों में सच्चाई है, सफाई है, एक दूसरे के प्रति केयरिंग है, रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के समय पर सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे रिश्ते हमारा जीवन जीने का आधार है। हमारी इस यात्रा में जो 5000 साल से आत्मा की यात्रा चलती आ रही है, इस यात्रा में कई रिश्ते मिलते हैं। जब ऐसे रिश्ते मिलते हैं ना, तो कहते बस गॉड्स गिफ्ट। हाँ, गॉड्स गिफ्ट तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अच्छे कर्मों का एक सुंदर तोहफा है। कई रिश्ते हम क्रिएट करते हैं और कई रिश्ते हमें निभाने होते हैं, लेकिन रिश्तों की इस दुनिया में चलते चलते कभी आपने नोट किया है, कई बार अच्छे अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं, हमारे से डिटैच हो जाते हैं। कभी चेक किया क्यों ऐसा होता है? कई बार कुछ हुआ नहीं, लेकिन हमारे ही मन में उनके प्रति नेगेटिव भाव रहता है, और वो जो नेगेटिव भाव रहता है तो बार बार उस टाइप की भावना। अगर रिश्ते में कोई भी विघ्न है तो आप चेक करो, उनके साथ हमारा जो बोलना है, उनके प्रति हमारा जो सोचना है, वो कैसा था? प्रीत के बजाय विपरीत, शुभ के बजाय अशुभ। फिर कई बार तो हम यही गाना गाते हैं, ये तो है ही ऐसे, सुधरेंगे नहीं, जिद्दी है, एरोगेंट है। अभी जब इस टाइप का गाना अंदर में चलता रहता है, बार बार इस टाइप का प्यारा प्यारा SMS करते रहते, भेजते रहते उनको अपने मन से, तो देखो फिर क्या होता है, जो मन में चलता है ना, फिर वो बोल में आ जाता है। फिर हम उनके साथ बोलेंगे ना, तो बोलना भी थोड़ा टॉन्टिंग में हो जाता है। कई बार तो सिर्फ थोड़ा सा बोलेंगे, हाँ ना का ही जवाब देंगे, लेकिन मन में बहुत कुछ चलेगा। फिर उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, दूसरे को बहुत प्यार से सहयोग देंगे, इनको नहीं। तो जैसी जैसी उनके प्रति हमारी भावना होगी ना, वैसे उनके प्रति हमारा हर बोल वैसे ही होगा। हम उनको उसी भाव से देखना, सुनना शुरू करेंगे। देखो, किसी के प्रति अगर ईर्ष्या है ना, ये मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा सब लोग इनको पूछते हैं, तो अपनेपन की भावना नहीं रहेगी। फिर उनके हर चलन, हर बोल से जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग महसूस होगी, फिर क्या कहेंगे, देखा इन्होंने ना जानबूझ के किया। वो सामने वाला अच्छा भी करेंगे, लेकिन मेरी भावना अच्छी नहीं है, तो उनके हर चलन से, हर बोल से मुझे बुरा भाव दिखाई देगा। तो मेरे अंदर की ये जो भावना है ना, वो मेरे भाव को बदल देती है, और यही कारण है फिर अच्छे अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो फिर क्या करें, क्या करें? चलो अभी हम अपने आप को ऑनेस्टली चेक करते हैं। कोई कैसा भी हो, मेरा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है?
अरे कोई कैसा भी हो, प्लीज़ आप शुभ सोचो ना, शुभ बोलो ना, प्लीज़ उनके साथ सॉफ्टली बोलो, इतना आप एकदम हार्शली मत बोलो, अपनी पहले भावना को स्वच्छ करो, साफ करो। और चलो मन में ये कहो, कहो हमें वो रिश्ता अच्छा करना है ना, तो मन में कहो ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भगवान का प्यारा सा बच्चा है, इनका पार्ट सबसे अलग है, मैं आत्मा आज से मेरे मन में, इनके लिए जो अशुभ भाव है, जो अशुभ मैंने सोचा, उसके लिए मन ही मन क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे आत्मा, आप मेरे सच्चे दोस्त हो, मैं आपके अंदर की विशेषता ही देखती हूँ, आपके लिए मेरे मन में बहुत प्यार है, बहुत शुभकामना है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, खुशी वाला है। चलो ऐसे सोचते सोचते हम उनको प्यार देना, प्यार की भावना से सोचना शुरू करेंगे तो क्या महसूस करेंगे, बस एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट हम उन्हें रोज दे रहे हैं प्यार का। कहते हैं ना, टू गिव लव इज अ गिफ्ट, बट टू रिसीव लव इट इज एन ऑनर। आपको भी फिर उनसे प्यार मिलता जाएगा, और जो आपसे बिछड़े हैं ना, वापिस आपसे जुटते जाएंगे। चलो ना आज हम ये करते हैं। हैप्पी डे।